बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरा देश बंद है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना हमारे देश में कैसे फैल रहा है और इसकी दुनिया में भी क्या क्या हो रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं। हम लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये 1000 से ऊपर चली गई है। इसके साथ ही दुनिया में भी क्या हो रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना अभी इंडिया में, भारत में स्टेज 3 में चला गया है, जिसको कम्युनिटी स्प्रेड भी कहते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले बताया गया था कि ये सिर्फ बाहर के जो रहने वाले लोग हैं, जो इंडिया में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं, इनसे ही फैल रहा है। लेकिन अब जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है, ये कम्युनिटी स्प्रेड से भी हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब आसपास के किसी भी इंसान से ये आपको हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड से भी फैलता है। तो इसकी वजह से ही पूरे देश में जो लॉकडाउन किया है, इसका हमें पालन करना चाहिए। ये जो 21 दिन है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी लोग बाहर घूम रहे हैं, हम लोगों ने टीवी में देखा है, तो वैसे मत कीजिए, बाहर मत जाइए। जैसे कि हम सबको पता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं डेली लाइफ में, जो लगता है सब्जियाँ, दूध, ये सब लाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ रहा है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि हम लोग जीवन आवश्यक चीज़ों के लिए बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए कुछ टाइमिंग भी दिए हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए हैं कि इतने इतने टाइम में हम लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैं जो प्रिकॉशंस मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ले रही हूँ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस लॉकडाउन में फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो बाहर जाते वक्त जो प्रिकॉशंस मैं ले रही हूँ या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स ले रहे हैं, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं पॉइंट पॉइंट आपको बताते जाऊँगी कि हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि घर से बाहर जाते टाइम सिर्फ एक ही व्यक्ति बाहर जाएगा, वो भी 10 साल के नीचे, यानी कि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। और इसके साथ ही जो बुज़ुर्ग है, 55 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको भी बाहर बिल्कुल भी नहीं भेजना है। जैसे कि हमें पता है कि ये बीमारी बच्चों में और बूढ़े जो लोग हैं, बुज़ुर्ग जो है हमारे, उनमें सबसे ज़्यादा उनको अफेक्ट कर रही है। तो उनको बाहर बिल्कुल भी नहीं भेजना है, सिर्फ एक ही इंसान जो भी अडल्ट घर में होगा, उनको ही सिर्फ जाना है। तो सेकेंड चीज़ जो मैं खुद के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ प्रिकॉशन के तौर पे, वो है कि बाहर जाते वक्त जो भी इंसान बाहर जा रहा है, उसने सिर्फ एक ही कपड़ों का सेट है वो इस्तेमाल करना है। मतलब जो भी आप बाहर पहन के जाने वाले हो, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाओगे तो वही कपड़े आपको पहन के जाना है। उसके साथ ही वो जो कपड़े हैं जो आप बाहर से आने के बाद में, आप उसको साइड में रख देना है। आप अपने सारे कपड़ों के साथ में उन कपड़ों को बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिए। उसके साथ ही जो कपड़े आप पहन के जाने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि फुल लेंथ के कपड़े पहने। जैसे कि लड़कियां स्कार्फ पहनती है, इसके साथ ही सनकोट पहनती है, तो उसी तरीके से लड़कियों ने वो पूरा कवर कर लेना है। और लड़के जो है, उन्होंने ट्राई करना है कि फुल लेंथ की शर्ट्स आप पहन के जाए। थर्ड चीज़ जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो ये है कि जब हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग जो वॉलेट लेके जाते हैं, तो वो वॉलेट जो है, वो आपको बार बार वही वॉलेट इस्तेमाल करना है, ना कि आपको हैंडबैग्स चेंज करते रहने हैं या फिर वॉलेट्स को चेंज करते रहना है। ये जो टाइम है, इस टाइम में आप पहली बार जब जाओगे, जो वॉलेट लेके जाओगे, तो वो वही वॉलेट का आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही वॉलेट में जो पैसे है, कुछ चीज़ें आपकी जो रहती है, वो दूसरी चीज़ों के साथ में मिक्स मत कीजिए। वो वॉलेट को दूसरे जगह पे साइड में रख दीजिए,
उसको बाकी सब चीजों में बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिए। जब आप कुछ खरीदोगे तो आपके पास अगर चेंज आ जाता है, सामने वाला आपको पैसे दे देता है, रिटर्न करता है, तो वो जो कैश है, वो जो कॉइन्स रहते हैं, वो आपको किसी दूसरे करेंसी के साथ में या फिर किसी दूसरे वस्तुओं के साथ में मिक्स नहीं करने हैं, वो आप साइड में ही रख दीजिए। जो और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि हम जब सब्जियाँ लेने के लिए जाते हैं या फिर कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो जब हम लोग थैली लेकर जा रहे हैं तो आपको उसी थैली का बार बार इस्तेमाल करना है। जैसे ही मैंने वॉलेट का बताया, उसी तरीके से जो भी चीज़ें आप बाहर लेके जाने वाले हो उसको आपको सेपरेट रखना है, तो वैसे ही इन थैलियों को आपको इन्हीं को इस्तेमाल करना है अगले टाइम पे आप जब बाहर जाओगे तब, और इनको आने के बाद में सेपरेट रख देना है। कोशिश कीजिए कि जिस एरिया में आप रहते हैं तो सबसे नियरेस्ट शॉप जो है उसी से आप चीज़ें खरीद लें। ज़्यादा आप इधर उधर मत जाइए, ज़्यादा दूर मत जाइए कि हाँ सब्ज़ी यहाँ पे अच्छी मिलती है तो हमें यहाँ से लेनी है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी नियरेस्ट शॉप है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ से ही आप खरीद लें। इसके साथ ही जो व्हीकल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी का ही बार बार इस्तेमाल करें। 3-4 गाड़ियाँ आपके घर में होंगी तो जो एक आप बाहर लेके गए थे सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें, बाकी गाड़ियों का इस्तेमाल मत कीजिए। उसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ मत कीजिए। वैसे तो बंद ही है सब, लेकिन जो भी इमरजेंसी के लिए गवर्नमेंट में जो रखा है तो उसका इस्तेमाल भी मत कीजिए। और एक ट्रिक जो मैं फॉलो कर रही हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ लेने के लिए जाना है तो एक चीज़ लेके आते हैं, फिर अरे दूसरी चीज़ हम लोग भूल गए, तो फिर से हम नीचे जाते हैं दूसरी चीज़ लेकर आते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप घर से बाहर निकलने वाले हैं उसके पहले आपको एक पूरा लिस्ट बना लेना है कि आपको घर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और ये लिस्ट के हिसाब से आपको वो सारी चीज़ें कम से कम टाइम आपको बाहर रहना है, और उसी टाइम में ये सारी चीज़ें आपको बाहर से लेकर आना है। मैं जब बाहर जाती हूँ सबसे पहले तो मैं बाहर जाना बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन दूध सब्जी ये चीज़ें ऐसी है कि जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है। और जब मैं जा रही हूँ तो मैं ये डिसाइड करके जा रही हूँ जो सबसे नियरेस्ट शॉप है मेरे घर से, मैं वहाँ पर ही जाती हूँ जहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर मैं सारा सामान जो है वो लेके वापस आ जाती हूँ। और कोशिश करें कि आपको अगले 3-4 दिन के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसके लिए ही मैंने ये चीज़ बोला कि आप जो भी लिस्ट है वो करके रखिए, उसके हिसाब से ही आप सामान लेकर आइए। तो आपके ज़रूरत के हिसाब से अगले 3-4 दिन के लिए आपको जो भी सामान लगता है वो उसका लिस्ट बना लीजिए, और वो सामान 10-15 मिनट के अंदर आप लेकर आइए ताकि आपको बार बार बाहर जाना ना पड़े। उसके साथ ही कोशिश करें कि आप जो भी सामान बाहर से ला रहे हैं वो वॉशेबल है कि नहीं, मतलब दूध की थैली हम लोग जब लाते हैं तो हम लोग उसको वॉश कर सकते हैं, तो लाने के बाद में आपको उसको एक बार वॉश कर लेना है, उसके बाद में ही दूध का पैकेट आपको निकालना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है जब भी आप बाहर जा रहे हैं। आप घर में हैं तो आपके हाथ आप बार बार धो सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पानी नहीं होता है, पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस जगह पे आपको कंपलसरी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही जो मास्क अवेलेबल है बाज़ार में उनका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आपके घर में स्वच्छ व्हाइट कलर का जो हैंकी होता है, रुमाल जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आप कीजिए। ये जो टाइम है ये टाइम में आपने अपने मुंह को, नाक को और आँखों को सबसे ज़्यादा ट्राई कीजिए कि कवर करके रखिए। आप सनग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा मुंह को ढक सकते हैं। और जैसे कि मैं आपके साथ कुछ होम रेमेडीज हमेशा शेयर करती रहती हूँ, तो वैसे ही मैं कुछ मेरी ट्रिक जो मैं अपना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वो चीज़ ये है कि अगर आपके आंगन में नीम का पेड़ है, तो मैं फिर से एक बार कहती हूँ, अगर आपके आंगन में
नीम का पेड़ है, आपको इधर इधर ढूंढने के लिए नहीं जाना है। अगर आपके घर में डेटॉल अवेलेबल है तो डेटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इजी अवेलेबल है, आपके आंगन में ही पेड़ है, तो आप नीम के पत्तों को निकाल के उसको अच्छे से धोकर उसका पेस्ट बना लीजिए। और जब भी आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में आपको 1 से 2 चम्मच उस पेस्ट का इस्तेमाल करना है। घर में जितने भी लोग हैं उन सबके पानी में आप ऐसे मिला के दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल के जैसे काम करता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इधर उधर ढूंढने के लिए मत जाइएगा। इसके साथ ही आपके जो कपड़े हम लोग भिगोते हैं उसमें भी हमें 1 से 2 चम्मच उसी पेस्ट का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही आपके घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिए। और हमेशा जब भी आप इस लॉकडाउन में बाहर जाके आएंगे, सबसे पहले तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। जितनी जरूरत के लिए आपको जाना है बस 5 से 10 मिनट के लिए आप बाहर जाइएगा। और बाहर से आने के बाद में सबसे पहले आपको एक चीज करनी है कि आपको अपने हाथ अच्छे से धोने हैं, हैंड वॉश से धोइए, साबुन से धोइए, लेकिन अच्छे से धोने हैं। इसके साथ ही आपको अपना चेहरा भी धोना है, हाथ धोने के बाद में अपना चेहरा धोना है। जब तक आप अपने हाथ धोते नहीं है तब तक आप मुंह पे अपने हाथ मत लगाइएगा। और ये सब थी मेरी प्रिकॉशंस जो मैं खुद के लिए और मेरी फैमिली के लिए ले रही हूँ। इसके साथ ही हम सबको पता है कि सैनिटाइजर की कमी हो रही है मार्केट में, तो उसके लिए मैंने घर पर ही सैनिटाइजर बनाया है, तो उसका रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इन सब चीज़ों को जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ वैसे आप भी फॉलो कर सकते हैं, और आपका जो टाइम है वो आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, जो टाइम आपको पहले नहीं मिल रहा था या फिर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थे तो आप ऐसे सोचते थे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आज अभी आपको ये जो टाइम मिला है इसका अच्छे से यूटिलाइज करें। इस टाइम में आपको जो जो पसंद है वो आप कर सकते हैं। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको आप नए नए गेम्स सिखा सकते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप ई बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर घर में जो बुक्स है वो पढ़ सकते हैं। आपको जो भी गेम्स इंडोर गेम्स पसंद है वो आप खेल सकते हैं। जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे समझिए कि ये आपका फैमिली टाइम है और इसे एंजॉय कीजिए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। और अगर हम लोग ये सब प्रिकॉशंस अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि ये सब प्रॉब्लम से हम जल्दी बाहर निकलेंगे। और अगर आपकी फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी आ जाती है कि आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तो उस वक्त आप लोकल पुलिस जो है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऑटो जो है वो सैनिटाइज करके गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड कर रही है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मैं जो हमारे लिए जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, पुलिस और ये जो अभी भी ड्यूटी पर है, उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो लोग हमारी दिन रात हेल्प कर रहे हैं तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और इसके साथ ही हम सब लोग उन्हें कोऑपरेट करें और अपने जो लोकल न्यूज़ चैनल है या फिर न्यूज़ चैनल है या फिर जो सोशल मीडिया है उसको फॉलो करते रही है, क्या क्या हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं नहीं तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग वीडियोज़ देखते हैं या फिर कमेंट करते हैं उनमें से आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ, अपना अपने फैमिली का सबका ख्याल रखिए। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।